क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से भजन अभ्यास में तरक्की होती है? जब सद्गुणों को हम अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी बेस है, जो बुनियाद है, वो पक्की होने शुरू होती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। कि जब हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं तो हम तैयार होते हैं ताकि हम पहला कदम रूहानियत के रास्ते पर रख सकें। तो जब सद्गुणों को अपने अंदर ढालते हैं तो फिर हमें ज़रूर अभ्यास करने में मदद मिलती है, क्योंकि हम एक अच्छा, एक नेक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम अभ्यास में बैठते हैं और प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं, तो उसके साथ हमारे कर्म कटते चले जाते हैं और जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े वो हटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे वो क्लैरिटी मिलती है, उससे क्या होता है, सद्गुण हमारे अंदर खुद ब खुद और आने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हम कदम परमार्थ की ओर बढ़ा सकें। और अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अभ्यास करेंगे, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे, अंदर में प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव करेंगे, तो फिर हमारे को अंदर से ही एक बदलाव आएगा और वो बदलाव हमारी बाहर की ज़िंदगी में हमें महसूस होगा। हम और शांत होंगे, हम और प्रेम से भरपूर होंगे, हमारा व्यवहार औरों के साथ बदलेगा, हम ज़िंदगी को सही तरीके से जीना शुरू कर देंगे और हम देखेंगे कि हलचल हलचल हमारी ज़िंदगी कम होगी, तो सद्गुणों खुद ब खुद हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोनों चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। हम पूरी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी सद्गुणों से भरें और पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में दे सकें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाते हैं। और अच्छा इंसान बहुत अच्छा है जिसमें सद्गुण है, लेकिन सच्चा इंसान और भी अच्छा है कि उसमें सद्गुण के होते होते वो अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा रहा है, वो सच्चाई के साथ जी रहा है। और जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद पर वो कदम बढ़ा रहा है। तो प्रभु को हम बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर ही पा सकते हैं। इस करके अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है। प्रभु कण कण में समाए हैं, हम सबके भीतर हैं, हमने अंदर की दुनिया में जाना है। जैसे जैसे वहाँ बढ़ेंगे तो हमारी नज़दीकी पिता परमेश्वर के संग होगी और उसका अफेक्ट बाहर की ज़िंदगी में ऐसा होगा कि हमारी ज़िंदगी में सद्गुण अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। हम अपने अंदर प्रभु के प्रति शुक्राने के भाव को कैसे जागृत कर सकते हैं? इंसान अपने आप के अंदर जो शुक्राने का भाव है, उसको तभी बढ़ा सकता है जब उसको ये समझ में आ जाए कि उसकी ज़िंदगी प्रभु के हाथ में है। इन्हों संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो कह रहे हैं कि हर एक सांस में मैं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उनके कारण ही ये ज़िंदगी हमें मिली है। तो जब हम उस अवस्था में पहुँचते हैं, जब हम ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये सृष्टि जिसमें कि अब हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में हैं और इसमें हम इस धरती पर हैं और कई गैलेक्सीज हैं, एकदम छोटा सा पार्ट है, और यहाँ पर कई 84 लाख जिया जून हैं, 84 लाख अलग अलग किस्म की योनियाँ हैं जिसमें कि हमारी आत्मा जा सकती थी। जब इंसान को सही मायने से वो रियलाइज़ हो जाता है तो फिर उसको ये तो समझ में आती है कि कितनी खुशकिस्मत है हमें
ये मानव चोला मिला। बार 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 जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सब हमें यही समझाते हैं कि मानव चोले में ही हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं, मानव चोले में ही हम अपने आप को जान सकते हैं, मानव चोले में ही हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो जब 84 लाख जिया जून में से ये सबसे उत्तम एग्जिस्टेंस हमको मिली है, जब ये इंसान सही मायने में रियलाइज़ करता है, जब रियलाइज़ करता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वो जनरली तब रियलाइज़ करता है जब किसी पूर्ण महापुरुष की उस पर नज़र करम होती है, उसे नाम की देन मिलती है, उस शरीर से ऊपर अंदर की दुनिया में प्रवास करने शुरू करता है, उड़ान करने शुरू कर देता है। तो जब वो एक्सपीरियंस होता है तब अंदर से हमें यकीन हो जाता है कि हम एक रूह हैं, एक आत्मा है। और जब वो अनुभव होता है तब इंसान के अंदर शुक्राने के सिवाय और कुछ निकलता नहीं, क्योंकि तब हम रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम एक पेड़ के अंदर अगर होते तो पता नहीं 500 साल पेड़ जीता है। कई जानवर हैं जिनकी उम्र बड़ी लंबी है, जैसे बड़े बड़े टॉर्टोइस हैं उनकी 200-200 साल की उम्र है। कई ऐसी योनियाँ हैं जिनकी लंबी 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 उम्र है, और अगर उसमें फंसे उसमें से फिर कब निकलोगे, कब दूसरी योनि में जाओगे, और अगर एक एक करके सब में से जाना पड़े तो पता नहीं लाखों करोड़ों साल लग जाए इंसान को इंसान की योनि मिलने के लिए। तो जब ये रिली में इंसान जज्ब करता है, उसको समझ में आती है, तब उसके अंदर से शुक्राने के भाव निकलते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, सही समझ। जब समझ सही होगी तभी सोच सही होंगे, जब सोच सही होंगे तो बोल सही होंगे, जब बोल सही होंगे तो कार्य सही होंगे। तो सही समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी शुक्राने के भाव हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे। स्ट्रेस यानी तनाव को कम करने का क्या उपाय है? स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी ज़िंदगी में तब होता है जब या तो हमें चीज़ें बहुत करनी है, समय कम है, या जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा। उन दोनों टाइम्स पर इंसान के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है। आजकल के समय में इतनी चीज़ें हमें बाहर की ओर लगाव करने के लिए खींच रही हैं कि हमें लगता है हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, कि हर एक इंसान ये सोचना शुरू हो गया कि चीज़ें ज़्यादा करने वाली समय कम है। तो सबसे पहले हमें बैठ के ये निर्णय करना चाहिए कि हमने करना क्या, ज़िंदगी जीनी कैसे है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10th क्लास पास की तो निर्णय किया कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि पहला काम मैं प्रभु को पाने का करूँगा, बाकी सब बाद में करूँगा। हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हम जिस भी मोड़ पर हों ज़िंदगी हमें सोचना चाहिए कि हमने ज़िंदगी जीनी कैसे है। जब ये हमारे को समझ में आ जाएगा कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो फिर हमें जो भी कार्य करने उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, चाहे कागज़ में बनाओ, चाहे कंप्यूटर में बनाओ, चाहे जहाँ मर्जी बनाओ, कि कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है। पहले ये समझ आ जाए कि भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी है, तो सबसे पहला काम दिन का इंसान वो करे। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़रूरी काम अगर हुआ नहीं तो बाकी काम की प्रायोरिटी कम है। तो हम देखें कि हमें क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। जो माताएं बच्चों को पार रही उनकी प्रायोरिटी कुछ और रह गई, जो पिताजी घर में उन्होंने काम पे जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। आजकल तो सब लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ सब काम करते हैं, प्रायोरिटी कुछ और होती हैं। तो अपनी अपनी, चाहे हम स्टूडेंट होंगे हमारी प्रायोरिटी कुछ और होगी। तो अपनी जिस अवस्था में हम हैं हमने देखना कि क्या सबसे ज़रूरी है। भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी, नम्रता से प्यार से प्रेम से जीना सबसे ज़रूरी, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहाँ पर हलचल कम हो, रिस्पांस किसी को देना ज़रा सोच समझ के, बहुत जल्दी जल्दी नहीं जवाब देना, नहीं तो दूसरा बंदा सोचता है मेरी इन्होंने सुनी नहीं, और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और फिर अपने अंदर विश्वास रखना कि प्रभु हैं, उनके भाने में हमें जीना है,
उनकी रजा में जिएंगे तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। जब ये समझ इंसान को आ जाए कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसी में भला है, तो फिर स्ट्रेस हट जाता है। स्ट्रेस क्या होता है, एग्जाम आ रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, तरह तरह की चीज़ें इंसान सोचता रहता है। जो काम कर रहा है वो सोच रहा है मेरे जो सुपरवाइजर मुझसे खुश हैं कि नहीं खुश, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरी तरक्की होगी कि नहीं होगी, टेंशन। अगर उस नतीजे तक पहुँचे कि जो कुछ हो रहा हमारे लिए बेहतर है, हम मेहनत करें, अपनी तरह से अच्छे से अच्छा काम करें, चाहे ऑफिस में करें, चाहे घर का एटमोस, जहाँ भी हम अपनी तरह से सही चीज़ें करें, बाकी जो प्रभु की रजा में है उसे कबूल करें, जो प्रभु चाहते हैं उस लिहाज से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम जाने कि जो कुछ हो रहा है इससे भला हमारे लिए हो नहीं सकता। जब ये समझ होगी ना, फिर स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक समझ सही होनी चाहिए, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो प्रायोरिटी में होना चाहिए, सबसे पहले काम बांधना, पहला करे पे दूसरा करे पे तीसरा करे। हम लोग सब मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल, हम ये भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। और अगर आप वैसे करते हो और आप सब कुछ कर सकते हो जो आपने करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो सबसे ज़रूरी काम नहीं कर पाते और ये जो नीचे वाले काम है उतने जरूर उनको करते हैं और वो रह जाता है, तो फिर वो काम ठीक नहीं है। और आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर ठीक है। तो हर एक को अपनी ज़िंदगी में देखना है कि कैसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो सबसे पहला काम है कि ये समझ आए कि हमने करना क्या, पिता परमेश्वर को पाना है, उसी लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। तो उसके लिए जो कुछ करना है वो करें ना, भजन अभ्यास करें, ज़िंदगी प्यार से भरपूर करें, एथिकल वर्च्यूज़ को ज़िंदगी में डालें, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें, और फिर रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद होती रहेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान यही सोचता है कि मैं ये भी करता रहा, ये भी करता रहे, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सिंपल करता रहे, सिंप्लीफाई। जितना सिंप्लीफाई करेंगे, जितना इंटरैक्शंस कम होंगी, जितना हलचल से दूर होंगे, उतना हम शांत हो पाएंगे। तो इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन सब कम होंगे और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चल जाएंगे। भजन अभ्यास पर बैठने के बाद कई बार कमर झुक जाने से क्या इससे अभ्यास में कोई रुकावट आती है? भजन अभ्यास किसी भी फिजिकल स्टेट में किया जा सकता है। ज़्यादातर तो लोग बैठ के भजन अभ्यास करते हैं, और अगर आप बैठते इस तरीके से हैं कि आपकी कमर झुक जाती है, और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो उसका भजन अभ्यास से कोई कनेक्शन नहीं है। जो सन्मत का रास्ता है, ये अभ्यास हमारी आत्मा के साथ होता है, ये आत्मा का अभ्यास है। इसमें शरीर किसी भी अवस्था में हो सकता है। अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हम लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर ऐसा मौका हो कि हम ना बैठ पा रहे हैं, लेट पा रहे हैं, तो हम खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं। ये देखना चाहिए कि शरीर में हलचल ना हो। अगर हम हिलेंगे तो फिर हमारा ध्यान उस हलचल में जाएगा और हम अभ्यास कर नहीं पाएंगे। तो हम किसी भी अवस्था में, फिजिकल स्टेट में अभ्यास कर सकते हैं, और जिस पोजीशन में हम आराम से कर सकें उसी में अभ्यास करना ठीक है। तो जब हम अभ्यास करें, ये देखना चाहिए कि ये ना हो कि एक मिनट एक पोजीशन में हो, दूसरे मिनट दूसरे में, तीसरे मिनट तीसरे में, तो उसमें हमारा ध्यान टिक नहीं पाएगा। लेकिन किसी भी पोजीशन में हों जिसमें हमें आराम है, और जिसमें कि हमें तकलीफ़ नहीं हो रही, जिसमें कोई दर्द शरीर में नहीं हो रहा, तो वो वाली पोजीशन हमारे लिए अभ्यास के लिए ठीक है। आजकल रूहानियत के प्रति लोगों में विश्वास क्यों बढ़ रहा है? आजकल हम जिस एज में जी रहे हैं उसमें बहुत मटेरियलिस्टिक गेन्स हुए हैं, और जैसे जैसे उस और तरक्की हुई है,
इंसान इस नतीजे पे पहुंच रहा है कि उन तरक्कियों के बावजूद भी हम कोई ज़्यादा सुखी नहीं। जब हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बाहर की चीज़ें भी हमें सुख नहीं दे रही, शुरू में शायद इंसान को लगता हो मुझे ये चीज़ मिल जाए मैं और सुखी होऊंगा, मुझे ये मिल जाए मैं और सुखी होऊंगा, लेकिन समय के साथ जैसे हम जो हमें मिल रहा है और उसको इस्तेमाल कर कर या उसके साथ होकर हमें ऐसे लगता है कि हमें वो खुशी नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि उन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट काफ़ी यहाँ पिछले 100 सालों में हुई है, तो लोग मेरे ख्याल रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट से कोई खास ज़िंदगी इंसान की बेहतर नहीं हुई। हो सकता है भारी रूप से हमें लगा कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे को सहूलत हुई हो, लेकिन क्या हम और शांत हैं, क्या हम और खुश हैं, जब ऐसे सवाल उठते हैं तो लोग इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि खुशी चीज़ों से नहीं मिलती, बाहर के डेवलपमेंट से नहीं मिलती, खुशी पिता परमेश्वर की नज़दीकी में मिलती है। और जैसे जैसे ये अनुभव लोगों को हो रहे हैं तो सारी दुनिया में उनका विश्वास पिता परमेश्वर में बढ़ रहा है, वो अध्यात्म के रास्ते पर आना चाहते हैं क्योंकि सुख चैन वहाँ से ही मिलता है और अपनी ज़िंदगी हर एक इंसान चाहता है कि बेहतर हो। तो आज ध्यान इंसान का पिता परमेश्वर की ओर ज़्यादा है, रूहानियत की अध्यात्म के रास्ते पर ज़्यादा लोग चल रहे हैं क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उसके जरिए ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हों, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।